आप लोग मेरे YouTube चैनल लेपोटेक्निशियन में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर मैं जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, और ये सारी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि SSC का परमानेंट वैकेंसी निकला हुआ है, तो उसको आप सबसे पहले अप्लाई कर लीजिएगा यदि आप लोग के पास टाइम मिले तो। और सबसे पहला बात है कि SSC का जो भी नोटिफिकेशन निकला है उसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा, और मैंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया उस PDF को। तो आप मेरे PDF मेरे इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने इस नोटिफिकेशन की ओर। जैसे कि जैसे जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे मैं देते जाऊँगा, और साथ ही साथ अब जो है कुछ थियोरेटिकली अपना प्रोफेशनल कोर्स जो है जैसे लैब टेक्नीशियन का जो भी है उसके ऊपर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक से दो वीडियो में हिमाटोलॉजी का पूरा अभी नहीं होगा, जैसे कि कोई एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो उसमें पूरा हिमाटोलॉजी का जो है सिर्फ दो क्लास से पूरा चैप्टर खत्म करूँगा, जितना ही पूरा हिमाटोलॉजी खत्म करवा दूंगा। जैसे कि ऑल ओवर व्यू जो है आपका एग्जाम में जो आएगा इंपॉर्टेंट वही मैं करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ दो क्लास लूंगा, पूरा हिमाटोलॉजी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर, क्या निकला है क्या नहीं देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है, DO का, ऑपरेटर का है, ठीक है, इसको बोलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, और लास्ट गेट सर्विस का है। इसमें देख रहे थे कहाँ का वैकेंसी है, देख जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये कहाँ निकला है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में निकला है। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में जो है रिक्रूटमेंट किसके लिए, कौन कौन सा है, लैब टेक्नीशियन का है जैसे कि मैंने बताया नीचे कि स्टाफ नर्स का है और DO का है, एंड लास्ट गेट सर्विस पोस्ट का है थ्रू द डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कमेटी टू वर्क इन YSR अर्बन क्लिनिक्स या UPHSC माने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ये किसके अंडर है, ये सब सारे सारे क्या नेशनल हेल्थ मिशन के तहत है, कहाँ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये सारे जो चीज़ें हैं, और मैंने बता दिया कि जैसे कि यहाँ पे स्टाफ नर्स का है 48 पोस्ट है, और टोटल सैलरी कितना मिलेगा, 22,500 पर मंथ मिलेगा। और इसका वैज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है GNM और BSc नर्सिंग होना चाहिए, और आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल या नर्सिंग जो काउंसिल होता है नर्सिंग लोगों का उसका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन का जो पोस्ट है टोटल पोस्ट हैं इसमें 5 पोस्ट हैं, और 19,000 रुपये मिलेगा उसका सैलरी। और बैचलर डिग्री मांगा गया है BMLT मांगा गया है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ इसमें क्या, इंटर वोकेशनल विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट मस्ट हैव द रजिस्टर्ड विथ आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड, ठीक है, ये मांगा गया है। और इसके बाद है ये जो ये दो पोस्ट अलग है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया है कि नोट में कुछ दिया हुआ है, देख लेते क्या दिया हुआ है। इस दिया गया नोटिफाइड द पोस्ट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमिटी, मानी एक पोस्ट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, ठीक है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है सैलरी मेड एज पर द रूल्स इन फोर्स बाय द डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के आधार पर होगा ये भी सिलेक्शन। और इसमें सिलेक्शन फीस जो है BC या OC के लिए 500 रुपये है, और 300 रुपये जो है ST PH एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है कि द एप्लीकेशन फीस जो है किस नाम से जमा करना पड़ेगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनाएंगे ये बनाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑन गोल्ड, ठीक है, इसके नाम से आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे, द एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड मैनुअली, मैनुअली आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। एक में इसमें परफॉर्मर दिया होगा आपका, फॉर्म फिलअप दिया, फॉर्म दिया होगा, इसको फॉर करके आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या दिया है कि कब तक भेजना, लास्ट डेट जो दिया हुआ है इसका लास्ट डेट है 30/9/2021 को शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या क्या लगेगा, पर सर्टिफिकेट का जीरोक्स कॉपी सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर है इनक्लोजर ऑफ सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेशन, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया है कि कितना छूट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाद बाकी जो है यहाँ पर दिया सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्योरली ऑन मेरिट एंड फॉलोइंग द रूल्स एंड रिजर्वेशन,
ये प्योरली जो है मेरिट के बेस पे बनेगा, और जो रिजर्वेशन का रूल है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दिया है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, इसमें बोला गया कैंडिडेट को जो भी है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसको बराबर इस वेबसाइट को फॉलो करना पड़ेगा, कब क्या निकले क्या नोटिफिकेशन निकलेगा ये सारा चीज़ इस वेबसाइट पर दिया जाएगा। इसके बाद टाइम लाइन ऑफ रिक्रूटमेंट का जो टाइम लाइन है 24/9/2021 से स्टार्ट है, 30/9/2021 को लास्ट डेट है। पब्लिकेशन का जो डेट था मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन होगा 5/10/2021 को होगा, और फाइनल जो निकलेगा मेरिट लिस्ट वो निकलेगा आपको 8/10/2021 को, और 11/10/2021 को अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है इसमें जो जो भी डिसीजन लेंगे डिपार्टमेंट लेंगे, वो डिपार्टमेंट जो डिसीजन लेंगे वो तुम्हारा या आपका जो है फाइनल डिसीजन होगा। सारा चीज़ आप लोग ये चीज़ पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। और नीचे जो परफॉर्मर दिया हुआ देख लेते दिया है कि नहीं। इसमें तो परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग जो है इसके वेबसाइट फॉलो करके देख लीजिएगा कि इसका परफॉर्मा नोटिफिकेशन में शो कर रहा है कि नहीं दूसरे नोटिफिकेशन में, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में शो नहीं कर रहा। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि अलग से दिया हुआ है परफॉर्मा कि नहीं, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट है वो जाके आप अपना वेबसाइट फॉलो कीजिए और अपनी उसको फॉर्म को डाउनलोड करके उसको भर करके आप फिर भी फिलअप करके भेज दीजिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया, ठीक है। यदि भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल लेबर टेक्नीशियन। और इसके बाद जो है आपको कल जो है रिमेटोइड आर्थराइटिस पे वीडियो डाल देंगे, ठीक है। रिमेटोइड आर्थराइटिस टेस्ट होता क्या है इसके ऊपर, इसके बाद फिर क्रॉस मैच को लेकर आ जाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा पीपीटी बन गया, बन कर रेडी है, बस आप लोगों को वीडियो बना के हम डाल देंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो भी नए वीडियो हैं जल्दी से जल्दी ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।